बाजार में रिकवरी आते हुए नजर आ रही है, लेकिन सबसे पहले आज आपको बताते हैं एप्पल के सीईओ टिम कुक की भारत यात्रा के बारे में। इनकी यात्रा आरंभ हो चुकी है और इंडस्ट्रियल टॉप मिनिस्टर्स और साथ ही बॉलीवुड हस्तियों से तो उनकी मुलाकात होगी ही, पर सबसे पहले जैसे आप और हम हर शुभ कार्य की शुरुआत भगवान श्री गणेश का नाम लेकर करते हैं, टिम कुक ने भी कुछ ऐसा ही किया और भारत की यात्रा में सबसे पहले मुंबई में प्रसिद्ध सिद्धि विनायक टेम्पल में उन्होंने दर्शन लिए और यहां पर करीब करीब आधे घंटे तक उन्होंने आरती में पार्टिसिपेट भी किया। उनके साथ मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी भी थे, साथ ही एप्पल इंडिया के हेड संजय कौल भी टिम कुक के साथ थे। सिद्धि विनायक मंदिर में टिम कुक करीब आधा घंटा रहे और मुंबई में ही टिम कुक की कुछ इंडस्ट्रियल्स के साथ और भी बैठक है। खबरों के मुताबिक टाटा ग्रुप के चेयरमैन साइरस मिस्त्री से भी वो मिल सकते हैं और साथ ही उनकी प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी मुलाकात हो सकती है, लेकिन आज रात को उनका जो डिनर होगा वो शाहरुख खान के बंगले मन्नत में होगा। इस दौरान टिम कुक मुंबई के अलावा हैदराबाद, बेंगलुरु और साथ ही दिल्ली भी जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। एक हफ्ते के दौरे पर हैं टिम कुक। ऑलराइट, तो चलिए अब नजर डाल लेते हैं इस वक्त के मार्केट्स के हाल पर। निफ्टी 50 के करंट लेवल्स को अगर आप देखें तो अब 7854 के लेवल्स पर हम कामकाज कर रहे हैं, 7850 के एक बार फिर से ऊपर पहुंचते हुए। अभी भी लेकिन दबाव कायम है। मिड कैप इंडेक्स में अगर आप देखेंगे तो करीब करीब आधा परसेंट की वीकनेस है। निफ्टी बैंक में भी करीब 1% की वीकनेस है। FMCG शेयरों में अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी आज दबाव देखने को मिल रहा है। कुछ और इंडिसीज की तरफ अगर नजर डालें तो आज काफी वीकनेस देखने को मिल रही है ऑटो और ऑटो एंसिलरी क्षेत्र के शेयर्स पर। और खबर भी यहां पर इस तरीके की है क्योंकि जो ग्लोबल NCAP रेटिंग एजेंसी है वहां पर क्रैश टेस्ट में फेल हुई हैं मारुति और महिंद्रा की कुछ गाड़ियां। आप सभी शेयर्स को देख सकते हैं, मारुति, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड और M&M जैसे शेयर्स में भी आज काफी वीकनेस देखने को मिल रही है। लेकिन अब ये भी देख लेते हैं कि बाजार के ऐसे कौन से और सेक्टर्स हैं और शेयर्स हैं जहां पर इस वक्त अब बजिंग एक्शन देखने को मिल रहा है। संदीप, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी PNB के बारे में। आज PNB के नतीजे आए हैं और डिसअपॉइंटिंग नतीजे रहे हैं, खासतौर पर मुनाफे फ्रंट पर। अगर इनफैक्ट जो घाटा पोस्ट किया है पंजाब नेशनल बैंक ने वो बैंकिंग इंडस्ट्री का वर्स्ट घाटा पोस्ट करते हुए नजर आए हैं, तो क्या कुछ वजह रही है, क्या कुछ पैरामीटर्स पर पंजाब नेशनल बैंक के नतीजे आए हैं, सबसे पहले आप वो समझाइए। शुक्र साक्षी, देखिए PNB ने अब तक का बैंकिंग इंडस्ट्री में देखे तो सबसे बड़ा घाटा पोस्ट किया है। 5,367 करोड़ रुपए का घाटा इस बैंक ने पोस्ट किया है। जाहिर सी बात है जिस तरह के नंबर्स हमने पहले भी सरकारी बैंकों से देखे, कल सिंडिकेट बैंक के नंबर्स आए थे। क्लीनिंग ऑफ बैलेंस शीट का प्रोसेस जारी है, जिस तरह के RBI के नियम जारी हुए थे उसके मुताबिक इस बैंक ने इस बार अगर आप देखिए जो प्रोविजनिंग है वो काफ़ी हाई करी है। हमारा ऐसा अनुमान था कि 3500 करोड़ रुपये के आसपास की प्रोविजनिंग देखने को मिलेगी, 10,500 करोड़ रुपये के आसपास की जो प्रोविजनिंग के नंबर्स हैं वो इस बैंक ने रिपोर्ट किए हैं। यही कारण है कि इस कंपनी के जो बॉटम लाइन के फ्रंट के ऊपर एक बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा और अब तक का सबसे बड़ा घाटा इन्होंने पोस्ट किया है। नो डाउट प्रोविजनिंग हाई है, लेकिन आप ग्रॉस NPA और नेट NPA देखिए, दोनों में एक तेज एस्केलेशन देखने को मिला है और जिस तरह से प्रोविजनिंग हाई है वो दर्शा रहा है कि अभी भी जो बैलेंस शीट की जो क्लीनिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हुई है और आने वाले दिनों में भी, आने वाले क्वार्टर्स में भी जो स्लिपेजेस हैं वो देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट बैंक के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें मैनेजमेंट का साफ तौर पर ऐसा कहना था इतनी बड़ी प्रोविजनिंग के बावजूद भी अभी उनको ऐसा नहीं लगता है कि शायद जो क्लीनिंग ऑफ बैलेंस शीट है वो हो चुकी है। तो वो ये कारण रहा है जिस तरह से प्रोविजनिंग स्लिपेजेस बढ़ रहे हैं और प्रोविजनिंग बढ़ रही है, उस वजह से अब तक का सबसे बड़ा घाटा PNB ने पोस्ट किया है। एब्सोल्युटली, लेकिन संदीप कुछ और भी ऐसे सेक्टर्स और शेयर्स होंगे जहां पर इस वक्त एक्शन देखने को मिल रहा है, कौन से ऐसे शेयर्स हैं? ऑटो शेयरों की बात आप करी थी, जिस तरह से NCAP की रिपोर्ट आई है क्रैश टेस्ट में कंपनियां फेल हुई, उसका इंपैक्ट पूरे ऑटो स्पेस में देखने को मिला। इनफैक्ट जो नंबर्स भी आए थे मदरसन सोमी के कल, उसमें खराब हमने प्रदर्शन देखा था जिसकी वजह से जो ज्यादातर ब्रोकिंग हाउसेस हैं वो नेगेटिव हैं। मदरसन सोमी के अलावा बॉश, बजाज ऑटो, भारत फोर्ज और हीरो मोटो, ये कुछ और ऐसी कंपनीज हैं ऑटो पैक में जिनमें आज प्रेशर साफ तौर पर देखने को मिला है। मिडकैप IT में आज कमजोरी देखने को मिली है। RS सॉफ्टवेयर की बात कीजिए, डेटामेटिक्स, 8K माइल्स टेक सॉल्यूशन, साइंस जैसी कंपनीज, इनमें आज देखिए कमजोरी का भार साफ तौर पर देखने को मिला है। जिन कंपनीज के ऊपर आज रिजल्ट्स का इंपैक्ट देखने मिला है उसमें GSK कंज्यूमर नंबर्स ने डिसअपॉइंट किया, इस काउंटर में गिरावट देखने को मिली, लेकिन ट्राइजिन टेक शानदार नंबर्स देखने को मिले। इस कंपनी में अगर आप देखिए 20% का अपर सर्किट देखने को मिला है। महिंद्रा हॉलीडेज के नंबर्स अच्छे रहते, इसके ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट है। इसके अलावा इंडियन होटल्स और OCL इंडस्ट्रीज, जिसकी सुबह भी हमने बात करी थी बाजार खुलने से पहले, इस काउंटर में देखिए जबरदस्त नंबर्स आए थे और शानदार मूव है वो देखने को मिला है। मिडकैप में अगर सबसे ज्यादा हलचल की बात करें तो गोल्डन टोबैको, टाटा मेटालिक, सागर सीमेंट, नाहर पॉली जिसे आज सुपर शेयर के तौर पर बताया गया था और कोहिनूर फूड जिसे आज 10 बजे के शो में बताया गया था, जबरदस्त रिटर्निंग सभी
सभी काउंटर्स में देखने को मिले हैं। कुछ पर्टिकुलर काउंटर्स की बात करें तो मदर्स एंड सुमी, जैसे मैंने कहा, नंबर्स के बाद ब्रोकरेज नेगेटिव हुए हैं। इनफैक्ट सीएलएसई ने तो बिकवाली की सलाह दी है और क्रेडिट सीस ने भी अंडर परफॉर्म की रेटिंग इस काउंटर के लिए दी, जिसकी वजह से आप देखिए कल की मजबूती के बावजूद आज इस काउंटर में कमजोरी देखने को मिल रही है। आईएसएमटी एक स्टॉक आपके सामने रखना चाहूंगा। सरकार ने सीमलेस ट्यूब पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है, जो चाइना से इंपोर्ट होती है ट्यूब, उसकी वजह से देखिए बड़ी तेजी आईएसएमटी के काउंटर में आज देखने को मिली। और आखिर में टाटा कम्युनिकेशन का शेयर आपके सामने रखूंगा। जल्द डेटा सेंटर कारोबार में हिस्सा बेच सकती है कंपनी, 75% हिस्सा 68 करोड़ डॉलर में बिक सकता है, जिसकी वजह से बड़ी तेजी इस काउंटर में देखने को मिल रही है। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप इस पूरे मार्केट एक्शन को सम अप करने के लिए। लेकिन अब ये भी देख लेते हैं कि वायदा बाजार से किस तरीके के इंडिकेशन देखने को मिले हैं। वीरेंद्र हम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, कल जब हमने इस समय आपसे बात की थी तो निफ्टी डिसाइसिवली 7900 के ऊपर था और मैंने आपसे ये सवाल किया था कि क्या अब 7950 के आसपास हम आ सकते हैं, और आपने यही कहा था कि अभी भी कॉशन जरूर रहना पड़ सकता है। और आज हम यही प्ले आउट होते हुए देख रहे हैं क्योंकि अब 7844 के आसपास निफ्टी कामकाज कर रहा है। क्या कुछ इंडिकेशंस मिल रहे हैं डेरिवेटिव मार्केट से? देखिए, आज अब तक साक्षी एग्जैक्टली 7800 अपना काम कर दिया, कल 7950 के पारा में निकल पाए थे और आई थिंक सुबह से अगर आप देखें डर ये था कि 78 वॉलेट ना करते, सुबह ये फीस ज्यादा था। लेकिन मैं कहूंगा कि 11:30 12 PM के बाद से, तब से अगर आप देखें जो लॉन्ग पुट्स थे 7800 पे और 7700 पे, वो थोड़ा ट्रिम हुए हैं, तो फॉर द टाइमिंग रिस्क कम लग रहा है। मेरे ख्याल से ये 7850, 7830, 7860 इसी ट्रैजेक्टरी के आसपास हम शायद हम क्लोज होने की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? अगर आप ऑप्शन एक्टिविटी देखें साक्षी, क्योंकि 8000 की कॉल में 7 लाख, 7900 की कॉल में 2.5 लाख से जुड़े हैं, और एट द मनी अगर आप कॉल देखें यानी 7800 की, वहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई थी, तो लोअर लेवल्स पर कॉल एट द मनी खरीदी जाती है और हायर लेवल्स पे एट द मनी कॉल सेल की जा रही है। और अगर आप पुट्स को देखें तो 7900 की पुट में, इनफैक्ट 7800 की पुट में 3 लाख और 7700 की पुट में 3.25 लाख, सुबह यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप था जो कि अब रिड्यूस हो गया है। तो बाजार काफ़ी लोअर लेवल से पुल बैक के लिए खेल रहे हैं और काफ़ी हायर लेवल से शॉर्ट करके खेल रहे हैं, लेकिन आई थिंक आज शायद यही ट्रैजेक्टरी 7860, 7830, 7840 ये ट्रैजेक्टरी बाजार लेकर चलेगा। एक चीज़ देखिए, डाउनसाइड कैप्ट क्यों हो गया साक्षी, आपने देखा, गौर किया, कुछ स्टॉक्स पैथेटिक नंबर्स के बाद, पीएनबी ने अपना रिकॉर्ड लॉसेस पोस्ट किए, उसके बाद भी 74 की ट्रैजेक्टरी को काउंटर होल्ड कर गया। हालांकि भी 15-20 में पहले मैनेजमेंट ने यह कहा कि शायद इस क्वार्टर में भी, Q4 में भी, जो हमने प्रोविजनिंग करी है वो एग्जैक्टली अभी उतनी क्वांटम में नहीं है जितनी शायद और हो सकती है, यानी अभी वर्स्ट इज नॉट ऑन द स्क्रीन, अभी आपकी स्क्रीन पर वर्स्ट नहीं है। इसलिए हमने देखा कि आज टॉप OI केनर पीएनबी है, 34 लाख शुरू का बिल्डअप यहाँ पे हुआ है, तो पीएनबी पे नजर रख के चलिए। आई थिंक अगर ये जो 7170 का जोन अगर ये वॉलेट करता है साइकोलॉजिकल लेवल, तब इस स्टॉक में काफ़ी हैमरिंग हो सकती है। फॉर द टाइमिंग आई थिंक कुछ काउंटर कॉल भी ली गई है इस स्टॉक में, पोस्ट नंबर्स जिस तरीके से काउंटर होल्ड कर रहा था, काउंटर कॉल ली गई थी, कुछ लॉन्ग कॉल्स ली गई थी यहाँ पर। एक SBI आज लॉन्ग साइड पर काफ़ी सारा ओपन इंटरेस्ट की तरफ खींच रहा है साक्षी, लगभग यहाँ पर अगर आप देखें 20 लाख OI में 175, 176, 177 की ट्रैजेक्टरी में आज ऐड हुए हैं, तो इस पर नज़र रख के चलिएगा। बाकी एक यूनियन बैंक की एक और स्टॉक है जहाँ पर नज़र रखिएगा। आई थिंक आज मेजर अट्रैक्शन पॉइंट साक्षी डाउनसाइड को कैप करने में वो रहा बैंकिंग, निफ्टी बैंक, PNB, SBI, यूको बैंक, यूनियन बैंक, ये स्टॉक्स अगर आप देखें आज रेस्ट्रिक्टेड डाउनसाइड दिखा रहे हैं। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र इस पूरे एक्शन को समअप करने के लिए। तो कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर एक सपोर्ट दे रहा है बाजार को और डाउनसाइड कैप करने में मदद कर रहा है। बैंकिंग सेक्टर के साथ ही रहते हैं क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खबर भी है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 5 सहयोगी बैंक और भारतीय महिला बैंक के मर्जर के लिए सरकार की इनको सैद्धांतिक मंजूरी मांगी है इन्होंने। और साथ ही इससे पहले कल हुई बैठक में 5 एसोसिएट बैंकों ने SBI के साथ मर्जर का प्रस्ताव दिया था। अब SBI की सेंट्रल बोर्ड की बैठक में मर्जर के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। हालांकि एसोसिएट बैंकों के कर्मचारियों के एक वर्ग ने मर्जर का विरोध किया है और 20 मई को हड़ताल पे जाने की भी धमकी दी है। आपको बता दें स्टेट बैंक के जो 5 एसोसिएट बैंक्स हैं उनमें स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद भी शामिल है। और आप देख सकते हैं आज भी जो इनका रुझान देखने को मिल रहा है, मिक्स्ड रुझान देखने को मिल रहा है। कुछ काउंटर्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस वक्त पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी में है, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर आप देखिए आज करीब करीब 1.5% की वीकनेस के साथ देखने को मिल रही है, मैसूर और ट्रावणकोर स्टेट बैंक में आप देखें तो अच्छी यहां पर बढ़त देखने को मिल रही है। तो मिक्स रुझान इस पूरी खबर के बाद यहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन आगे बात करेंगे एक और अहम खबर की और वो है क्रैश टेस्ट के संदर्भ में। आपको बता दें कि ऑटो एंसिलरी शेयर्स और ऑटो शेयर्स में आज एक दबाव देखने को मिल रहा है और वही कुछ काउंटर्स हैं जो कि बाजार को नीचे की ओर खींच रहे हैं। आपको बता दें कि ग्लोबल NCAP यानी कि न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम जो है
उसने 5 भारतीय गाड़ियों को क्रैश टेस्ट में फेल बताया है। उन्होंने ये कहा है कि मारुति की सिलेरियो और इको उन्होंने 0 रेटिंग दी है इन दोनों ही मॉडल्स को, साथ ही महिंद्रा एंड महिंद्रा की स्कॉर्पियो, रेनो क्विड और इओन को भी 0 रेटिंग दी गई है। आपको बता दें कि यूके की व्हीकल टेस्टिंग एजेंसी है ग्लोबल NCAP, 3 साल में ये दूसरी बार टेस्ट हुआ है और दोनों ही बार भारतीय कई कारों में यहाँ पर फेल होती हुई नजर आई हैं क्रैश टेस्ट में, और यही कुछ वजह है जिसकी वजह से आप देख सकते हैं मारुति सुजुकी में अभी भी वीकनेस देखने को मिल रही है, M&M जैसे शेयर्स में भी आज काफी वीकनेस देखने को मिल रही है। हालांकि दोनों ही कंपनियों के जो मैनेजमेंट है उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन आए और उनका ये मानना है कि भारत की गाड़ियां कंप्लीटली सेफ है। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब ये देख लेते हैं कि जी बिजनेस ने जो आपको आज दिन भर में टॉपिक्स दिए हैं उन्होंने क्या शानदार रिटर्न देखने दिया है, और मनीष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। मनीष ये बताइए, जो हमारा सुबह 7:30 बजे का सुपर हिट शो होता है फास्ट मनी, उसमें ऐसी कौन सी कॉल्स दी हैं जहां पर जोरदार रिटर्न देखने को मिला है? धन्यवाद साक्षी, न केवल फास्ट मनी बल्कि उसके बाद भी कई सारे स्टॉक्स बताए गए थे, कहा गया था कि बैंकिंग शो में एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। कई सारे बैंकिंग शो पर मैंने और संदीप ने दाव लगा जिसमें बैंक ऑफ इंडिया जैसे थे और उसमें एक अच्छी रिकवरी देखने को थी। लेकिन एक शेयर बतौर ईपीएस शेयर आज के लिए मैंने मेडिको काया लिमिटेड में मैंने खरीदारी करने से लाई थी 1020 रुपये का। मैंने एग्रेसिव टारगेट दिया था, करीब 19% ऊपर का लक्ष्य दिया था। मैंने कहा था खरीदारी के चलिए एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है नतीजों से पहले। शेयर अभी भी देखिए करीब 16-17% की मजबूती के साथ दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार कर रहा। बाजार सुबह कमजोर था फिर भी सुबह से शेयर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही थी। ये शेयर जो है आपको सुबह 7:30 बजे बतौर ईपीएस शेयर आज बताया गया था। कुछ एक और स्टॉक्स की बात करते हैं, 9:30 बजे सुमित ने जो है सुपर शेयर की बात की थी। उस समय बाजार कमजोर था, कमजोर खुला, लेकिन इस शेयर का रिटर्न देखिए 9:30 बजे के आसपास ठीक इस शेयर में एक जोरदार उछाल देखने को मिला और शेयर 16-17% मजबूत हुआ और अब दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा। लगता है कि बाजार बंद होते होते शेयर में 20% का अपर सर्किट भी न लग जाए क्योंकि अभी यह शेयर करीब 17% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। ये शेयर सुबह 9:30 बजे आपको बताया गया था, 7:30 का समय याद रखिए, 9:30 बजे दूसरा शेयर बताया गया। जो तीसरा शेयर बताया गया था आज के लिए 10:15 पे छोटे स्मॉल कैप स्टॉक्स बताए जाते हैं जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा ब्रोकरेज हाउसेस की राय होती है और ये माना जाता है कि वो शेयर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसमें सुमित ने आज कोहनू फूड्स बताया था स्मॉल कैप शेयर में, इस शेयर में देखिए करीब 16-17% की मजबूती देखने को मिल रही है और दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। सुबह शेयर फ्लैट खुला, जब 10:15 पर शेयर बारे बताया गया तो शेयर में जोरदार रैली देखने को मिली क्योंकि वैल्यूएशन और बाकी पैरामीटर पर शेयर काफी खड़ा उतरता था, उस वजह से तेजी देखने को मिली। तो तकरीबन हर घंटे एक एक स्टॉक्स बताए गए साक्षी और इनका रिटर्न देखिए 15-16% तक का देखने को मिल रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस पूरी ही अपडेट को देने के लिए। एक नजर डाल लेते हैं PNB के अर्निंग्स पर क्योंकि मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। PNB ने अपना घाटा पोस्ट किया है इस बार 5,367 करोड़ का, जो कि वर्स्ट घाटा बताया जा रहा है बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए। तो काफी वीक रिजल्ट्स देखने को मिले हैं पीएनबी के फ्रंट पर। अब मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राम संगपुरे हैं जो कि ईडी हैं पीएनबी के। मिस्टर संगपुरे गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को अपना समय देने के लिए। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे जो कंसर्निंग फैक्टर इस वक्त प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखने को मिल रहा है वो है बॉटम लाइन पर, जहां पर 5,000 करोड़ से भी ज्यादा का यहां पर घाटा पोस्ट करते हुए नजर आई है कंपनी। क्या कुछ वजह है इतना बड़े घाटा पोस्ट करने के लिए और कितना बड़ा वरी आपको ये लग रहा है क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री में एक हिस्ट्री क्रिएट करने वाली बात हो रही है, इतना बड़ा घाटा आज तक कभी कहीं किसी बैंक ने नहीं पोस्ट किया? या ये जो घाटा हमें दिख रहा है इस क्वार्टर में 5,000 का है और इस साल में 4,000 के आसपास जो घाटा इस समय हमने डिक्लेयर किया है, ये मुझे लगता है कि अगले फाइनेंशियल ईयर में जैसे कि फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर में आपको ये घाटा कम होता हुआ नज़र आएगा। और ये घाटा इसलिए बड़ा है क्योंकि जो NPAs का अमाउंट है, जो NPA स्लिपेजेस हो चुके हैं पिछले क्वार्टर में पर्टिकुलरली, वो स्लिपेजेस की वजह से प्रोविजनिंग ज़्यादा बढ़ानी पड़ी और प्रोविजनिंग बढ़ाने की वजह से हमारा घाटा इस समय आया हुआ हमको लगता है। लेकिन हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो अगर आप देखेंगे तो अभी भी 12,000 करोड़ के ऊपर हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अगर पब्लिक सेक्टर बैंक के अगर आप थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखेंगे तो मुझे लगता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद PNB का ही इतना सबसे बड़ा ऑपरेटिंग प्रॉफिट इवन टुडे आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि ये इस क्वार्टर में जो हमें लॉस हुआ है
वो अगले सेकंड और थर्ड क्वार्टर में दिस फाइनेंशियल ईयर में सब्सटेंशियली कम होता हुआ आपको नजर आएगा। एब्सोल्युटली सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अगर आप हमें बता पाएं कि SME 1, SME 0, SME 2 जैसे कैटेगरीज में अभी किस इस वक्त कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है? SME 2 में करीब 8000 करोड़ आउटस्टैंडिंग है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो SME 2 में आउटस्टैंडिंग होता है सभी इमीडिएटली स्लीप होता है, क्योंकि उसमें हम करेक्टिव मेजर्स ले लेते हैं और उसमें से कुछ अकाउंट स्लीप होते हैं। बहुत सारे अकाउंट तो वो स्टैंडर्ड कैटेगरी में ही आपको नजर आते हैं। राइट मिस्टर संगपुरा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि प्रोविजंस में भी खासतौर पर बहुत ज्यादा इंक्रीज इस वक्त देखने को मिला है, एसेट क्वालिटी जो है डिटीरियोरेट होते हुए नजर आई है। आगे जाते हुए क्वार्टर्स में भी क्या आपको लगता है कि वीकनेस देखने को मिल सकती है, स्लिपेजेस और बढ़ सकते हैं? जितने स्लिपेजेस हमने ये फोर्थ क्वार्टर में देखे हैं इस फाइनेंशियल ईयर 16 के, डेफिनेटली उतने पैमाने पे फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में दिखने को नहीं मिलेंगे। जो स्लिपेजेस तो होते रहेंगे क्योंकि ये ऑनगोइंग कंसर्न है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, कुछ अकाउंट्स तो खराब होते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो स्लिपेजेस लास्ट क्वार्टर में हुए हैं उतने पैमाने पे अभी आगे आने वाले क्वार्टर्स में होने की संभावना नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्लिपेजेस बिल्कुल नहीं होंगे, NPA नहीं होगा, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस होने की वजह से बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में कुछ अकाउंट तो स्लिपेजेस होते हैं, कुछ रिकवरीज होती हैं, और इसके वजह से हम इतना ज़्यादा उसको निगेटिव नहीं देखना चाहिए। जी मिस्टर संगपुरे, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है इस क्वार्टर में वर्स्ट ओवर हो चुका है PNB के लिए और अब बैलेंस शीट पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि जैसे आपने सवाल पूछा था कि SME 2 के कितने आउटस्टैंडिंग अकाउंट्स है, अमाउंट है, वैसे जैसे कि रीस्ट्रक्चर्ड पोर्टफोलियो है वो भी तो है जो कि थोड़ा सा स्लिपेजेस की संभावना ज़्यादा रहती है उसमें। तो ये कहना कि बिल्कुल हमारा वर्स्ट इज़ ओवर इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर, ये मेरे ख्याल से हमें संभव नहीं लगता है। स्लिपेजेस तो होंगे, मैं पहले भी कहा, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे नहीं होंगे जी। और NPA का जो अभी 13% के आसपास जो हमारा ग्रॉस NPA आ रहा है, शायद उतना बड़ा आगे चलकर आगे वाले क्वार्टर्स में दिखने को नहीं मिलेगा जी। वो जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन मिस्टर संगपुरे, आपसे जानना चाहेंगे कि आगे आने वाले समय में कुछ ब्याज दरों में कटौती होगी? प्लीज, ये मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या व्यू रहेगा इसके ऊपर डिपेंड करता है। और लिक्विडिटी पोजीशन भी अभी तो मुझे लग रही है कि मार्केट में इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी सरप्लस नहीं है, और मुझे लगता है कि आने वाले मॉनेटरी पॉलिसी का जो अनाउंसमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगी उस समय मेरा पर्सनल असेसमेंट ऐसा है कि शायद इस बार वो रिडक्शन नहीं करेंगे। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर संगपुरे हमसे बातचीत करने के लिए और रिजल्ट्स पर ब्रॉड व्यू देने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग क्वार्टर्स ऑल्सो। चलिए, तो मिस्टर संगपुरे को आपने सुना जिनका मानना है कि अभी भी वर्स्ट ऐसा लगता है कि ओवर नहीं हुआ है, हो सकता है उतने बड़े पैमाने पर नहीं पर आगे भी स्लिपेजेस देखने को मिल सकती हैं।